हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, मॉर्निंग के 9:30 बजने वाले हैं, 9 तो तब बजे थे नहाने के थे, नहाना धोना हो गया है, 9:30 बज चुके हैं और मैंने अब चाय बनाई है अपने लिए, ब्लैक टी, और क्योंकि मैं ब्लैक टी पीती हूँ और मेरे आजकल गले में दर्द सा हो रहा है, खांसी मतलब खरासी हो रही है, बहुत दर्द सा हो रहा है, तो मैंने काली मिर्च और अदरक ज़्यादा डाल के अपने लिए काढ़ा टाइप का बनाया है। अब मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मैंने सुबह नहीं पी, उठते ही नहीं पी, पहले मैंने काम कर लिया, सफाई से कोई डस्टिंग वगैरह कर ली, अब मेरे को जाना है वहाँ पे जहाँ मैं डेली जाती हूँ, मेरे जेठानी के घर में, मेरी सास के जहाँ पर चल रहा है क्रियाक्रम जो जहाँ पर हो रहा है, वहाँ जाऊँगी मेरी जेठानी के वहाँ, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, बट वो सफाई वाली आती नहीं, सफाई मैंने डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है, क्लीन अप सब कुछ कर लिया है, बट वो अभी आई नहीं, वो लेट से आती है, पता नहीं आएगी, पता नहीं क्या करेगी, 9:30 बज रहे हैं, मैं फ़ोन करती हूँ उसको भी, बुलाती हूँ उसको भी, और बाहर से गाड़ी चली है ना यहाँ पे बस रोड में, देखो कितनी आवाज़ आ रही है, मैं दरवाज़ा खोल के यहाँ पे मतलब क्लियरिटी अच्छी आती है करके मैं यहाँ आ गई बाहर पर, यहाँ पे दरवाज़ा बंद करके अंदर की तरफ हो, तो उस बाहर गाड़ी की इतनी आवाज़ आ रही है कि पूछो मत, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और चाय पीऊँगी। चाय मैंने रख दी है टेबल पर अपनी बना के, शायद आपको पीछे कप दिख रहा है और गुड़ का डिब्बा दिख रहा है, तो मैं चाय पीऊँगी और चाय पी के फिर मैं निकलूँगी यहाँ से। यह है मेरी चाय ब्लैक टी और यह है गुड़, तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ उसके बाद जाके, देखो कितना पसीना है, इतनी गर्मी है, कल रात बारिश भी हुई है ना, आज सुबह पता नहीं कल रात कब बारिश भी हुई है, बाहर मैंने पानी पानी देखा, मैं तो उठी हूँ 7:30 बजे उठी थी आज, और आजकल थोड़ी चिंता हो रही है ना, जाना है तो इसलिए मैं जल्दी उठ रही हूँ, मैं बहुत लेट उठती हूँ, तो फिर सब काम हो गया था मेरा आज, मैंने बहुत काम किया, सफाई वगैरह सब, सेटिंग वेटिंग की, बहुत गंदा हो रहा था बहुत दिन से, तो आज जल्दी उठ गई तो सोचा कि काम वाम कर लेती हूँ, और फिर अभी निकलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद, चाय वाय पी लेती हूँ और बेटे का नाश्ता बनाती हूँ, आलू उबाल दिए हैं और ब्रेड के अंदर डाल के टोस्ट में उसको दे दूँगी, उसको बना के, वो अच्छा चल रहा है आजकल, जो क्योंकि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो वो सही चल रहा है, आलू उबाल के मिर्च नमक डाल के उसको पेस्ट बना के आलू के ब्रेड के अंदर भर दो और सेक दो और दे दो उसको, आजकल वो भी खुश मैं भी खुश, तो वहीं जाके मिलती हूँ आपसे। तो मैं पहुँच गई हूँ वहाँ पे और ये मिल गई है कृषा, ये है हमारी कृषा नाचणी, ये मोबाइल के देखो, मोबाइल के देखो कृषा बिस्ट है ना, क्या नाम है, ये देखो उठने की कोशिश कर रही है, ये मेरे पास आ गई, वैसे तो आती नहीं है ये, किचू देखो ताता कर दो ये अच्छा बैग के लिए आती है, जब भी बैग लाती हूँ ना इसके आगे रखती हूँ बैग को, ये चबाने लग जाती है इसको बैग बहुत अच्छा लगता है ना, किचू को बैग बहुत अच्छा लगता है, किचू को मैं किचू के बर्थडे में एक बैग दूंगी, हाँ जिसमें फीता होगा ऐसा, ठीक है ना हाँ, ये गंदा बच्चा बहुत शैतान है ना, हाँ जय करो अभी देखना मैं इसको खींचूंगी, हाँ कैसे करेगी, हाँ लाओ दो ये फिर खींच लिया, फिर ओ बाबरे, अब तो बैग ही खाएगी, खाना नहीं खाया क्या, गंदा बच्चा। तो अभी मैं नीचे आई हूँ, अभी हम ऊपर जाएंगे। तो गाइज, आपने कृषा को तो देख लिया, कृषा की शैतानियाँ, और यहाँ पर चल रही है चाय, और हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, रिश्तेदार हैं ये, और बाकी तो हम चार दरानी जिठानी हैं, और ये ग्रीन सूट वाली जो हैं दोनों, एक लाइट ग्रीन एक डार्क ग्रीन वाली मेरी बुआ लगती है, हमारे गांव की हमारे सास भी लगती हैं, पहले एक दिन देख चुके हैं, तो रिश्तेदार आए हैं और यहाँ पर चाय पानी चल रहा है, अब आए हैं ऊपर के फ्लोर में, अब ऊपर के फ्लोर में बनेगा खाना, जहाँ पर कि किचन है, मैं दाल चढ़ा दी, चावल भिगा के आ गई हूँ, मेरी दिरा ने दाल चढ़ा दी, वैसे ही मैं जल्दी काम कर तो गाइस, दिन के बज गए हैं 2:20, हमारा दाल तो हमारी बन गई है, दाल हमारी बन गई है और चावल हमने चढ़ा रखे हैं, सलाद भी काट दिया है, और अब खाने की तैयारी करते हैं लंच की, और सब लोग अंदर बैठे हुए हैं, ये आओ बहन, डैश 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 चल रही है,
चाट बनती है, चाट मसाला डाल लो, चाहे काला नमक डाल लो, उसमें डाल दो बस। ये चाट मसाला खा रहे हैं, मुझे तो कोई भी चाट ऐसी अच्छी लगती है। मेरा है, आपका नहीं? नहीं ऐसा ये नहीं है मेरा, संभालो जिसका भी है, पता नहीं किसका है, पर्स किसका है पूछे तो मैं बता रही हूँ। तो फ्रेंड हमारा खाना चालू हो चुका है, ऊपर खाना दे दिया। तो गाइज यहाँ पे हमने कर दी है खाने की तैयारी, सब लोग बैठ चुके हैं, खाना लग गया है। तो गाइज हमारा होता है लंच टाइम और बुआ लंच करके आ गई है। और कहाँ से आ रही हो? अपनी सास के वहाँ से? अपने सासू के वहाँ से खाना खाएगी। ये देखो हमको, हमारे हम इनकी बहू हैं, हमारे वहाँ नहीं खाया, अपनी सास के वहाँ खा के आ गई। सास के वहाँ चलो आओ, बुआ आओ, शीतल तू आगे आ जाए, जोड़ देते ये बारी का हंसना हंसा लड्डू फट गया। और ये है मेरे आज के नए सब्सक्राइबर, ये जो ग्रीन सूट में है, इधर देखो, आप आज मेरे नए सब्सक्राइबर हो, आपको धन्यवाद है मेरा। हम करते हैं लंच, सबके लिए रख दिया है, अब हम लंच करते हैं। ये मेरी दोनों दरानियाँ हैं, ये बड़ी वाली और ये छोटी वाली, आप तो जानती हैं। तो अब हम खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये है जिठानी, वो है हमारी पोती। तो ये है मेरा खाना जो कि मैं खा रही हूँ। ये हाथ से खाते हैं हम लोग, देखो हाथ से खा लेंगे। बहुत बढ़िया खाना हो रहा है, क्योंकि ये प्रसाद होता है आजकल का खाना जो है ना, ये और अच्छा टेस्टी लगता है। इसमें कुछ भी नहीं है मसाला वसाला, फिर भी टेस्टी लगता है। देखो तो गाइज यहाँ पे आ गई हैं बीना और सिया, और मिलाती हूँ आपको। हेलो सिया, सिया हेलो करो। ये बीना की बेटी है और बीना अभी अभी आई है, इतने दूर से चल के आए बेचारी है, मेरे सास के प्यार के कारण। बीना मेरे सास को बहुत अच्छा मानती थी और मेरे सास बीना को अच्छा मानती थी, तो इसीलिए ये आ गई है। और यहाँ पर चल रही है गपशप, खाना खाने के बाद सब चल रही है। शाम के बज गए हैं 7 और हो रही है नाइट रात के खाने की तैयारी। आलू चढ़ा दिया उबालने के लिए, इसमें एक टेढ़ा हो रखा है और ये इतने सारे केले आ रखे हैं, कौन खाएगा इनको बर्बाद, हरी हरी क्या हुई। तो गाइस यहाँ पे बन रही है आलू की सब्जी, आलू की सब्जी बना रही है बुआरी बिना मसाले वाली, पता नहीं कैसे बनाएगी फिर अभी, वैसे अच्छा बनाती है। और ये गूंद रही है चंद्रा आटा मेरे देवरानी, और आज खाना खा के जाऊंगी, कुनाल के लेके जाऊंगी, चार रोटी कुनाल के लिए बना दियो। हाँ चार रोटी ले जाऊंगी मैं, बोल दिया मैंने सबको, है चार से पांच नहीं खाता, हो चार से तीन खा लेगा लेकिन पांच नहीं खाएगा, इतना ही खाता मेरा बेटा। हाँ तो फिर 8:30 का टाइम हो गया गाइज, तो फिर ब्लॉग एंडिंग का भी समय हो चुका है, ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।